एंड ऑल्सो तरीबा हमारा किसी हमारे से लेना देना एक्टर के टैलेंट से होता है ना कि यार ये तो डिजर्व करता ही है. करेक्ट. मैं चाहे वो बच्चा ही हो चाहे वो बदरंगी बजरंगे मुन्नी है, वो गुड़गावा के एक मॉल में दिखी थी मुझे. हाँ. उसको वहाँ से ढूंढ के लाए कि कौन है वो, ढूंढो मॉल में बच्ची जो घूम रही है. लाइन भी लगना पड़ेगा सर. लाइन का ले ले शॉर्ट भाई, समझे पब्लिक को कितनी लाइन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम. हाँ. खाने के लिए. हाँ. मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी. आप खाओ भाई खाओ. अरे तुम लोग डिजिटल भी नहीं करते यार. हाँ. आई डोंट वांट टू से दिस टू लॉट ऑफ पीपल बट आई कैन टेल टुडे, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देर आर सो मेनी पीपल सेड नो टू फैमिली मैन. फादर ने वेंट टू मनोज वाजपेयी. रियली? यस. नो, किसी को नहीं मालूम था ना, किसी को बोल सकते हैं. लेकिन अब सबको पता है. अब सबको पता है. वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी. मुकेश भाई क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये इतने सारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू देखे दे रहे, राजकुमार के साथ, हंसल सर के साथ, बहुत लोगों के साथ देखे. हाँ. तो बल लगता है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई एम डूइंग दिस विद यू. आई एम वेरी हैप्पी. सो गुड यार. थैंक यू सो मच. जहाँ जहाँ जिन जिन एपिसोड में आपका जिक्र हुआ वो आपने देख लिया. बढ़िया है. नहीं, जिन जिन जो जो एपिसोड मुझे लोगों ने दिखाया नहीं, मैंने बहुत सारे देखे हैं. मैंने वो सैफ वाला भी देखा था. अरे वाह. मैंने वो मैं देवेंदु वाला भी देखा था. ये एग्जिट यहाँ से कर ले, यहाँ से कर लो एग्जिट, कहीं से भी एग्जिट कर लो. ये हमारी ओबरॉय स्प्रिंग बिल्डिंग है. हाँ जी. यहीं पर मतलब विकी, राजकुमार, मतलब आनंद राय, इंद्रिया जली, रेमो, उसके साथ भी बहुत वो सुपर 30 के टाइम पे से उसके साथ बहुत पुराना एक रिश्ता है. क्योंकि जब वो टेलीविजन में थी उसके बाद एक बार मुझे मिली, तो फिर जब सुपर 30 के टाइम पे ऑडिशन किया तो शी वाज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब चांस ही नहीं था कि मतलब कोई और दूसरा आ सके, इतना ऑडिशन था. तो 199 फिल्मों का IMDb पे जिक्र है. उसके साथ 49 अदर क्रेडिट्स ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद 7 प्रोड्यूसर क्रेडिट्स हैं. एक तो आपने डायरेक्ट कर ली फिल्म. 199 तो IMDb में है और कम से कम 50-60 नहीं है. नहीं है ना. हाँ, वो मैं पूछने वाला था. और फिर इसमें से ऐसी वाली भी होंगी ना जो रिलीज नहीं हुई है, जो आपकी गिनती नहीं बैठ रही जिनमें. जो रिलीज नहीं हुई है, जो रिलीज तो अब लगातार होती रहती है. कुछ ऐसी जो IMDb पे नहीं है, रिलीज नहीं हुई है, कुछ फेस्टिवल्स में है. हाँ. तो कुल मिला के लगभग 300 फिल्में. 300 पे लगता नहीं, छोटा लगता है ना. नहीं यार भाई, बढ़िया मतलब मजेदार आइटम है भाई ऐसा नंबर मतलब. बट अब तो ऐसा हो गया होगा ना कि चलते फिरते आपको कहीं पे भी कोई भी चांस ही मार रहा होता कि भाई देखो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ये मेरा. वो लोग भी ऐसा ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, पर देर उनकी जॉब है. और मेरी भी प्रॉब्लम हो गई कि अगर मैं नॉर्मल किसी गेट टुगेदर में भी हूँ, या किसी फैमिली फंक्शन में भी हूँ, या कहीं सड़क में भी जा रहा हूँ, किसी दुकान पे भी कुछ खरीद रहा हूँ, तो ओनली लुकिंग एट फेस यार बहुत इंटरेस्टिंग है. देन आई विल टेल माय सिस्टर कि बच्चा मिला बहुत अच्छा है, पता कर कौन है फूल. तो ना ये सब अब ये सबकॉन्शियस में चला गया, बीमारी हो गई ऐसा लग रहा है मुझे. डीलिंग विद कास्टिंग डिजीज भाई. मतलब ये तो डायरेक्शन के साथ भी होता है ना कि मतलब कहानी बाज हो अगर. हाँ. तो आप कहीं पे भी कोई भी कहानी सुनते सुनते या कैरेक्टर सुनते सुनते ऐसा हो सकता है कि यार ये बढ़िया कैरेक्टर लग रहा है. हाँ. ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है कि जब आप कहानी सुनते हो तो सडनली भैया क्या इसको. और कई बार जब स्क्रिप्ट सुनते हो ना. हाँ. सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप एक्साइटेड हो जाते हो जो आपको अरे कितना कास्ट करने को मिलेगा, क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. हाँ. जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो एक्साइटमेंट से शुरू हुई वो एक्साइटमेंट मेरे को हमेशा चाहिए होती है फिल्म. करेक्ट. बिकॉज आई थिंक वो एक्साइटमेंट नहीं होगी ना तो फिर आप कास्टिंग से बोर हो जाओगे. हाँ. बिकॉज क्या है कि आपको लग रहा है बार बार एक्टर ढूंढो बार बार ढूंढो, बट आपको एक्साइटमेंट क्या होता है कि यार नई कहानी है. हाँ. नया वर्ल्ड है, नए लोगों को ढूंढना है. सही बात है. तो ये बताओ सर कि ये वाली जो आपने अभी बात की ना कि मतलब ऐसे आप चलते फिरते भी देख रहे हो, तो ये वाली जो लाइन विजय राज साहब की है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा. यार ये बहुत ऐसा है क्योंकि बच्चे पुरानी फिल्म में डायलॉग होते थे ना, अरे मैंने आपको देख लिया स्टार बना दूंगा. हाँ. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता. अल्टीमेटली आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है. अल्टीमेटली आपको अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है. हाँ. आपको कोई भी कहीं से भी उठा के स्टार नहीं बना सकता अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ यू आर रियली टैलेंटेड तो आपको जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, राइटर सब मिल के आपको स्टार बनाते हैं. बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, दे ऑल वांट टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल. सही बात है. तो आई थिंक वो सब क्रेडिट जाता है हॉल, जो पूरी इंडस्ट्री है ना वो मिल के आप एक साथ एक बंदे को जब टैलेंट होता है तो सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी है. हम एक जरिया है कि जिनके हमको लगता है कि ये बच्चे में एक एक टैलेंट है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, ये ओल्ड एक्टर बहुत अच्छा है. तो हमको लगता है कि ये बहुत कमाल है. हाँ. तो
फिर हम उसको उस कैमरे के सामने ले जाते हैं, बाकी उसकी परफॉर्मेंस है और उसका टैलेंट है। सही बात है। बट क्या होता है ना कि आजकल वो ऑडिशन वाली टेप्स आ जाती हैं, है ना, वो कोई लीक करता है कि आप ही लोग बोल देते देखो हम बताते हैं तुम्हें हमने कैसे जांचा, क्योंकि तब जब देखते हो आप आर्टिस्ट को तब बिना लाइटिंग बिना उतना मेकअप बिना स्क्रिप्ट रिहर्सल्स या वर्कशॉप्स देखते हो, क्या आप वो इमेजिन कर रहे होते हो कि भाई ये कैमरा लाइट लगने के बाद ये उभर के आएगा या ऐसा? ऐसा कुछ इमेजिन नहीं करते ऑनेस्टली। हम स्किप करते हैं ना टैलेंट को, हम सिर्फ वो हमारे दिमाग में सिर्फ वो कैमरा लाइट तो हमारे पास उसका हमारा साथ लेने देने नहीं होता, कैमरा सिर्फ होता है शूट करने के लिए, टैलेंट शूट करने के लिए। हम सिर्फ उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं बस। परफॉर्मेंस समझ नहीं आता कि ये बहुत साल बाद ये लड़का बड़ा बनने वाला है, चाहे वो राजकुमार हो या विक्की को जब मसान के लिए या फिर वो रवन राघव के लिए या संजू के लिए किया, चाहे फिर वो राजकुमार को इतनी फिल्म के लिए किया, चाहे सुशांत को किया, चाहे सान्या फातिमा, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे जयदीप हो, को हमको पता है कि यार दिस बॉय और दिस गर्ल दे आर गोइंग टू मेक इट बिग, दे सच टैलेंटेड एक्टर। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, में भी एक साल बाद दो साल बाद या तीन साल बाद, इफ यू सी सो मेनी पीपल आर डूइंग सो वेल, वो सब आते तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में थे। बता दो ना कहानी कुछ है तो ऐसी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी गैंग्स ऑफ वासेपुर सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है कि चिल्लर पार्टी करके फिल्म किया था बच्चों का, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बच्चे थे, तो वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी, उसको रिलीज होने में दो तीन साल लग गए थे, तो उसके बीच में अनुराग कश्यप बस स्टार्टिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर और जब बोला कि ये फिल्म है, और मैं भी उस वक्त ना स्ट्रांग नहीं था, मैं खुद भी कास्टिंग को समझ रहा था, चीज़ें नहीं थी, तो जब पढ़ी स्क्रिप्ट पूरी कहानी सुनी तो पता लगा कि उसमें लगभग 384 पीपल हैड टू कास्ट। सो आई वाज लाइक व्हाट एंड द एंटायर न्यू वर्ल्ड, एंड एक के बाद कैरेक्टर खत्म ही नहीं हो रहे कहानी में, खत्म ही नहीं हो रहा, वे टू स्टार्ट। हाँ, टीम ऑफ 3-4 पीपल, आई रिमेंबर देयर वाज गाय कॉल्ड आकाश दहिया, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, रियली सपोर्टेड मी इन कास्टिंग, देन देयर पवन, देन सत्या, देन विजय, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु रियली, एक्चुअली श्रीधर, ये सब लोगों ने कास्टिंग में बहुत ज़्यादा, महेश बलराज, इन सब ने कास्टिंग में इतना सपोर्ट किया कि हमने जगह जगह जाके एक्टर को ढूंढना शुरू किया। कहाँ, मतलब यूपी में? यूपी, बनारस, दिल्ली, बॉम्बे, जितने भी एक्टर उस वक्त बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे, यूपी और बेल्ट के, हमने सबका पहले डेटा इकट्ठा किया। हाँ, हाँ, कि पहले आप सब आ जाओ, क्योंकि पहले लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। करेक्ट, क्योंकि बिना लैंग्वेज के कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट किया, बहुत कम लोगों को मालूम है ना पूरा प्रोसेस, एक साल से ऊपर हुआ था। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ कास्टिंग? सिर्फ कास्टिंग, लगभग सवा साल लगे थे पूरी प्रोसेस कास्टिंग में, क्योंकि इतने लोग थे, जब अनुराग कश्यप के मन में आता था एक और सीन लग देता तो उसमें भी दो लोग आ जाते थे। और क्या है कि वो एंड बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग विद कश्यप, द गुड थिंग, कि वो उनके पीछे जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्ट है ना, वो उसको भी बहुत डिटेल में लिखते थे, उनकी भी कहानी होती थी, तो आपको वो भी कास्ट करना पड़ता था। उसके बाद पीयूष भाई का बचपन भी था, तिशु भाई का बचपन भी था, सबके बचपन के पार्ट भी थे, सबकी फैमिली भी थे, भी कड़क निकले, वो भी सब कड़क निकले, तो वो सब करने में बहुत सारे, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो शायद बहुत कम एक दो जगह अनुराग ने भी मेंशन किया, एक दो बुक्स में मेंशन किया है कि वो ही वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट पंकज त्रिपाठी, रियली रियली ही डिडंट नो हु इज, because I worked with him, yeah, so I did a film called Chintu Ji, and in my we were almost आसपास के एनएसडी के टाइम पे, आई वाज इन टीआई एनएसडी, ही वाज स्टडीइंग इन दैट एनएसडी, तो उस वक्त तो मुझे पता था ये एक्टर तो बहुत कमाल है, मैंने वो प्लेज में देखा है, सबको अच्छे से देखा है, तो ही वांटेड अदर एक्टर, आई विल नॉट नेम द एक्टर, ऐसे नहीं यार एक तो बड़ा नाम, ऐसे कुछ एक्टर चाहिए, तो ऐसे काम करते हैं, मैं एक एक्टर मैं ऑडिशन करता हूँ, उसको ऑडिशन करते हैं, दोनों को ऑडिशन करते हैं, तो मैंने पंकज बॉम्बे में नहीं था तो उसको बाहर से बुलाया, आई थिंक ही वाज शूटिंग समवेयर इन साउथ, तो ही केम और पूरा एक दिन लगा के उसको ऑडिशन किया, और सेम वे दूसरे एक्टर के साथ किया, सब सीन सेम किए, ये लैपटॉप में दिखा के कश्यप को बोला कि अब आप देख के मुझे बता देना, मैं चला गया रूम से, नहीं सर यार एक्टर कौन है, बहुत अच्छा, इसको सुल्तान लेते हैं, तो तब से वो, क्योंकि उसने चिल्लर पार्टी में एक फनी रोल किया था, मुझे टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन उनको ऐसे रोल में कास्ट करना जिसे सरप्राइज हो जाए, तो दैट्स हाउ पंकज त्रिपाठी की स्टोरी यहाँ पर। और एक कहानी हो रहा है कि जो एक एक्टर है जो उसमें गुड्डू का रोल किया था, जो हमेशा फोन पे कोऑर्डिनेट करता है, 3 फोन के साथ डील करता है, वो अनुराग के ऑफिस में अनुराग का पर्सनल काम करता था, तो हम लोग जगह जगह ऑडिशन कर रहे हैं, जगह वो जैसे ऐसे 24 घंटे परेशानी के आसपास, यू नो ही वाज ऑलवेज रनिंग अराउंड लाइक मैड अराउंड कश्यप, तो आई सेड कि यही है गुड्डू, एंड ही वाज वर्किंग ऑन दैट फॉर 4 इयर्स, वाह, एंड लाइक ही डिड इन लाइफ,
So then I said, then I quietly auditioned him and showed it to Kashyap. Then he said, "Apna morari hai." I said, "Haan morari hai." So that's how good to happen. And that scene became the cult. Aaj bhi uske meme bante hain. Correct. Kyunki wo phone pe laga tha discuss kar raha hai ki tu kya chute ho gaya kya? Wo sab karna hai, wo sab chal raha hai, so coordination. That was fantastic. Dekho abhi hum aate hain Bombay journey ki asli saaz pe, hai na? Ye to hi aapke kaam ki baat. Abhi hum log journey pe aate hain. Aap khud Delhi Mayapuri se ho. मायापुरी से हूँ भाई. मैं मायापुरी इसलिए बहुत जरूरी बोल रहा हूँ क्योंकि मायापुरी बोलते समय मेरे मुंह में पानी आता है क्योंकि वहां से अच्छा चिकन मांचाओ मैंने रेडी वाला खाना नहीं खाया. अरे पर मैं सरप्राइज हूँ, मायापुरी वाली इन्फॉर्मेशन भी है क्या गूगल पे? गूगल पे मेरे को, मैं खुद हूँ ना. अच्छा खाना जाके ढूंढते भाई. हाँ भाई, मायापुरी मतलब मेरी एक्चुअली मेरे जो फादर है वो बहुत ही एक गवर्नमेंट सर्विस करते थे जिनकी मायापुरी में जो प्रेस है उसके अंदर उस उनको वहाँ पे प्रेस क्वार्टर मिला था. तो मैं बहुत ही मतलब बहुत ही बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो उस क्वार्टर में हम लोग रहते थे जो बहुत ही छोटा टू रूम सेटअप होता था. ऐसे 2 BHK भी नहीं होता, मतलब 2 कमरे ही होते हैं. तो ये बात मैंने आज तक शायद किसी को बताई भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि तो वहाँ मायापुरी में था. उसके बाद हम रोहिणी में शिफ्ट हो गए थे. पर मायापुरी की खास बात यह है कि वो सारी ज़िंदगी की जो बचपना पूरा चलाकियाँ बदमाशियाँ जो शरारते वो तो मायापुरी और सुभाष नगर अर्जुरी गार्डन से ही निकली. नहीं देखो, आप पंजाबी हो तो मतलब खाने की बात तो मतलब बेफिक्र बोल दो आप ना. मायापुरी या रोहिणी का खाना जिंदगी भर, मुझे लगता है कि खाना तो दिल्ली में ही मिलता है. मायापुरी हो चाहे गोल मार्केट हो चाहे कनॉट प्लेस हो चाहे करोल बाग हो चाहे छोले भटूरे राजमा चावल. आई डोंट नो व्हाई पीपल लिविंग इन दिस सिटी, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग. मतलब जिसने छोले भटूरे नहीं खाया, राजमा चावल नहीं खाया, वो क्या कर रहा है? व्हाई दे लिविंग? या जो भी बॉम्बे में दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत अच्छे राजमा चावल बनते हैं, वो कृति सनम. हाँ क्या मतलब उनके घर पे तो मुझे कृति बोलते हैं कि भाई घर पे आजा राजमा चावल बने हैं. तो एंड शी नो दैट हाउ मच आई लव राजमा चावल. तो वो हमेशा जब भी अब तो पेंडेमिक की वजह से ज्यादा मुलाकात 2-3 साल तक तो नहीं हुई, लेकिन जब भी राजमा चावल बनते थे तो मैं हमेशा वहाँ पे होता था. मतलब उसका मतलब मुझसे मिलना नहीं होता था कि इसको राजमा चावल खिला दूँ, भूखा आदमी है ये. तो वो तो कृति नूपुर ने मुझे जितने राजमा चावल खिलाए उतने राजमा चावल तो शायद मैंने बॉम्बे में नहीं खाए. अरे वाह यार, ये तो सही बात है यार. अरे भाई ये बताओ, इमोशनल कर देता तो सही. ये मैं मतलब राजमा चावल तो मैं भी माउथ वाटर कर रहा है, बट संडे राजमा चावल हमारे घर में बन ही जाता है. मतलब इट्स अ गिवन. ये पंजाबी तो ना फिक्स होता है शनिवार, मतलब पंजाबी हाँ. शुरू हो जाएगी मेरे मुंह से कि शनिवार को सैटरडे को काले चने, थर्सडे को कड़ी बनेगी, संडे को राजमा चावल बनने ने, बाकी दिन आलू गोभी के पराठे बनने ने, बस फिक चिट्ठा मक्खन. सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है. सुबह सुबह आके मूसली खाओ, यू नो दिस चॉकलेट मिल्क, दिस फ्रूट सैलेड नहीं होता मुझसे, बट क्या करेंगे यार, नहीं होता. भाई वो बेस्ट ये भी चीज होती है ना कि आलू जो बच जाता है उसका रात को शाम को सैंडविच बन जाता है. वो किसी भी सब्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करके ना वो ऐसी चीज बना देंगे. इवन बेस्ट पार्ट ऑफ आवर मदर, उनको पता है खाना अगर सब्जी भी कम है ना वो पता नहीं कैसे उसमें दोबारा पानी डाल के नया तड़का लगा के उसको ऐसा भर देंगे कि मतलब सबके लिए पूरा हो जाए. गजब है भाई, ये टैलेंट है मम्मी का, ये मतलब कमाल का टैलेंट है. हर माँ के अंदर जो एक क्वालिटी होती है ना कि वो किसी भी अभी वो अगर कोई आलू मेथी बन जाएगा तो उसको भी वो सब्जी में रोटी में डाल के कुछ आलू मेथी की रोटी भी बना सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं. अरे इधर सैमी सोस है ना, मैं उधर अपनी मदर इन लॉ को लेके गया था शायद. बोलती ये केसडिया मैं कल बनाती हूँ. घर पे रोटी बच गई थी कि डिनर बाहर कर लिया, तो उन्होंने एक रोटी रखी उसके अंदर सामग्री रखी, काटे नए नए चीजें और एक और चीज मार के एक और रोटी ऊपर. बोलते ले खा ले केसडिया तेरा. केसरिया थे मुझे बदने बहुत स्टूपिड जोक आया है. हाँ. गाना याद आ गया केसरिया थे. वो इतना मतलब ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इतने बार वो गाना बजता है ना तो सबकॉन्शियस में वो गाना ही बज रहा है. ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन पूछ देता हूँ, रुको आपने केसरिया बोल दिया. मैंने बहुत 7 साल मतलब 6 साल उस फिल्म पे काम किया है. हाँ कैसे चल रहा है, मतलब इतने दिनों से आप कास्टिंग किए जा रहे हो? करे जा रहे हैं मतलब मैं बड़ा हो गया मतलब पिक्चर आ गई आपकी एक. हाँ लेकिन मतलब वो एक्सपीरियंस कमाल का है. बिकॉज आई थिंक आई लव आयान मुखर्जी, उसकी इज अ जीनियस आई थिंक. वो और मेरी पिक्चर आके चली भी गई, बट अभी जो वो आएगी पिक्चर ना तब लोग मालूम चलेगा कि उसमें इतने साल क्यों लगे. विच वॉट अब आप देखो बाहर हॉलीवुड में फिल्मों में 8-8 साल क्यों लगते हैं. सो आई स्पेंड आई एग्जैक्टली रिमेंबर 2017 आई थिंक वी स्टार्टेड. वो तब से लेके बिल्कुल लास्ट बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ऑल्सो वी कास्टेड. व्हाट आर यू सेइंग? या फॉर 2-3 न्यू पीपल. फक मतलब एक तो मतलब अस्त्रों की कास्टिंग हुई होगी, फिर इसमें भी कुछ ऐसा था क्या? 200-250 लोगों का बहुत लोग हैं.
अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी वो फोन करता है कि यार एक और बचा है, इतने प्यार प्यार से 5 साल गुजार दिए. रुको, अभी आपकी जर्नी वाले सवाल चल रहे हैं. तो ये जो श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम SRCC. मुझे जितनी पढ़ाई करनी थी वो मैंने इसलिए करी क्योंकि मुझे एनएसटी में जो TI कंपनी है ना वहाँ पे जॉब चाहिए था. अच्छा, वहाँ जॉब चाहिए थी. वो जॉब चाहिए थी, उसके लिए ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट था. अच्छा, तो मैंने वो अच्छे से करी और ताकि मुझे वो एनएसटी का जॉब मिल जाए जहाँ पे मुझे सैलरी मिल जाए. मिडिल क्लास मैन तो वैसे सोचता है. बस तो बस यही तसल्ली थी कि बस 15,000 की नौकरी और सैटरडे को हाफ डे, संडे को भी वर्कशॉप चलेंगे और दिवाली पे आपको कंबल और कुकर मिलेगा सरकारी नौकरी करें. तो इतनी ही से उसके बाद धीरे 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 आपका आइडियाज आते कि नहीं यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मच बेटर, तो वह आप चीजें करते हैं. तो बेसिकली पढ़ाई का, बट जितना भी पढ़ाई किया बहुत अच्छे से किया, दिल से किया ताकि मेरा बेसिक एजुकेशन पूरा कम्प्लीट हो जाए, नहीं तो कोई जॉब नहीं मिलता. देखो अभी हम लोग हैं जू सर्कल के इस तरफ, यहाँ की कोई कहानी है तो बता दो. यार ये सर्कल तो मतलब मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सर्कल है, जितने क्योंकि सबसे बकवाल की बात है कि यहीं से बसों से गुजरे हैं, यहीं से स्कूटरों में गुजरे हैं, यहीं पे थ्री व्हीलर में गुजरे हैं, यहीं से टैक्सी में गुजरे हैं. और पानी पी रहे हो? कैसे हो दीदी? अच्छे, आपका मैं इनको कम से कम 15 साल अच्छा रहना. इनको 15 साल से मिल रहा हूँ जब मैं नया स्ट्रगल करता हूँ. वो पहले वाले तेलुगु में बात करता हूँ भाई सब लोग से. पहले वाली दीदी को याद होगा मेरे साथ आले में. इसी जगह पे मतलब बसों से गुजरे हैं, इसी जगह में अपनी अपनी खुद की गाड़ी होती है वहाँ से गुजरे हैं. तो एक जुहू सर्कल में होता है ना कि बड़े बड़े होर्डिंग जब लगते हैं ना इसी जगह पे भी लगते हैं. तो अब आपकी फिल्म में होर्डिंग लगते हैं उसमें आपका नाम होता है ना, तो जब नया नया लगना शुरू होता है इतना खुशी होती थी कि आपने जो सर्कल या हाईवे जब आपका पोस्टर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, तो उसमें आपका नाम होता है. वो नाम इतने बड़ी चीज़ हो गए थे हमारे लिए क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर जो टेक्नीशियन होते हैं हमारी ज़िंदगी में तो यही है हमारा रिवॉर्ड, तो यही होता है. तो बड़ा अच्छा लगता है. कभी कभी ऐसा होता है ना जो सर्कल में जितने भी शोज हैं, जितनी फिल्में, सारे तरफ देखो क्या बोले तो अगर 10-15 लाख तो हो गए. 10-15 लाख इतनी सारी फिल्म्स की हैं. मैंने अपनी खुद की आर्काइव में देखा, आपने मेरे को भी कास्ट किया टेक्निकली और कंपनी हैज कास्ट मी आल्सो वंस. रियली? यस, इन अ विनेल मैथ्यू एड. ओह यस, आई हैव डन सो मेनी एड विद विनेल. ना आई लव विनेल बिकॉज़ आई स्टार्टेड लॉट ऑफ आई स्टार्टेड डूइंग एड्स विद विनेल ओनली. या बहुत कम लोगों को पता है ये बात. क्या बात है, विनेल मैथ्यू उन लोगों को बता दें बहुत फेमस. आपने कैडबरी की एड्स देखी होंगी, आपने हसीना दिलरुबा देखी होगी, या आपने कोई फिल्में देखी होंगी उन्होंने ही बनाई है उनकी. कैसी तो बस जो रिलीज नहीं हुई भाई वो एड में जिसमें मैं हूं. क्या बात है, विनेल मैथ्यू को बोलो किस किस चीज के एड थे वो. वीवो IPL. नहीं, तो उस वक्त बहुत सारे ऐड करता था. हाँ. के बाद मैंने बहुत सारे जितने बड़े बड़े कैडबरी ऐड है, आई रिमेम्बर रिचर्ड जड्डा का फर्स्ट कैडबरी ऐड एंड जुगल हंसराज दैट वाज डन बाय विनेल मैथ्यू, दैट आल्सो एडेड. वेरी पॉपुलर ऐड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया जब वो लोग एक बॉर्डर में डमचरास खेल रहे हैं, दैट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर ऐड. ये तो देखिए कई सारे लोग एस्पायरिंग एक्टर्स भी ये देख ही रहे होंगे है ना. तो उनको क्या एडवाइस होती है, और क्वेश्चन को रिफाइन करता हूँ मैं थोड़ा सा, और कि कई लोग आपको देखते हैं जो लगे हुए हैं इनको काम ही नहीं मिल रहा, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होती है कि मतलब उनको ये थी. मुझे लगता है कि जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक बॉम्बे में लोग करते हैं ना, वो लोग हर ऑडिशन में चले जाते हैं. आपको ना क्राफ्ट में काम करना चाहिए. अगर आप हफ्ते में एक ऑडिशन भी दे रहे हो और अच्छा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, दैट इज इनफ. बिकॉज देन अगर महीने में 4 ऑडिशन दे रहे हो तो साल के 48 ऑडिशन हो गए. तो आपको इतना फोकस होकर स्ट्रगल करना पड़ता है. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रगल नहीं होता, वो प्रोसेस होता है. एक तो वो स्ट्रगल बोल बोल के अपने आपको इतना सैड और लो बना देते हैं ना. तो फर्स्ट थिंग दे शुड नॉट कॉल इट द स्ट्रगल, इट्स अ प्रोसेस.
some people will make it in 1 year, some people will make it in 12 years, some people making 10 years, 5 years, 2 years. Time limit mein mat maando. If you have it in you, wait for it and just smile. Find your happiness. If you don't, if you're not happy while looking for work in the process, then don't be in this field. सही बात है। हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार सर मैं कब से काम में बोलता हूँ यार don't be sad, please just be happy first and क्योंकि तू अपनी मर्जी से इस फील्ड में आया है। हाँ। Please if you're not happy, then please just don't be in it. In the process of looking for work, I understand क्योंकि आपको survival की problem होती है। हाँ। वो उसकी वजह से पहले है कि वो सब तो सबकी ज़िंदगी में होएगा। That you have to deal with it. आप उसको खुशी से deal करो या sad होकर deal करो, deal तो करना पड़ेगा। तो हमेशा उनको बोलता हूँ कि जस्ट वर्क ऑन योर क्राफ्ट. आपकी फिटनेस के लिए जिम जाना जरूरी है. जिम को लेके ऐसा ऑब्सेशन नहीं मतलब कि एक्टर को जिम जाना चाहिए और स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगा, बालों के. मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार इफ यू आर अ गुड एक्टर ना, हाकिम अली विल गिव यू अ ग्रेट हेयर स्टाइल, मनीष मेहता विल गिव यू अ नाइस कॉस्ट्यूम, जयश्री विल टेक केयर ऑफ योर स्किन, है ना. तो एंड एवरीथिंग विल टेकन केयर ऑफ, जस्ट एक्ट. सब कुछ आपको, सब ग्रूमिंग सब हो जाएगा. प्रोड्यूसर विल स्पेंड मनी ऑन यू सो दैट यू लुक नाइस इफ यू वांट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, बट फर्स्ट यू नीड टू एक्ट. तो ये बताओ कि आप बंबई कैसे आना हुआ, मतलब वाज इट रंगदे के बाद आया बताया आप, बट वेयर डिड यू लैंड, कहां आए, फिर वहां से कहां ऐसे ही, मतलब एक फिल्म थी तीन पत्ती. हाँ. तो उसमें फिर रंगदे बसंत, तो उसमें जब कास्टिंग सर्च कर रहे थे तो फिर एक और फिल्म में कास्टिंग सर्च करने चले गए तीन पत्ती में. हाँ. तब कुछ ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर का कल्चर तो था नहीं, नहीं था, तो बस कास्टिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे. तो धीरे धीरे करते करते देन आई हैड नो वर्क, आई वाज एक्चुअली लिटरली क्राइंग बिकॉज एक भी पैसा नहीं था. तो मुझे लगा अब तो वापस जाना पड़ेगा. मेरी माँ पहले बोली नौकरी छट के कितने चला गया, तो कैसे चुपचाप काम कर ले, नौकरी भी छट देती, यू नो हाउ फैमिली थिंग. तो देन आई वाज वेरी 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 डिस्टर्ब एंड लो. आई एम वेरी, आई थिंक मैंने आज तक किसी को बोला नहीं, शायद पता ही होगा दो तीन लोगों को. हनी त्रिहान जो है जी, विशाल सर के कास्टिंग डायरेक्टर थे, विशाल एसोसिएट भी थे. तो मैंने हनी भाई को फ़ोन किया क्योंकि दिल्ली थिएटर, मैंने कहा पाजी पंजाबी में बोला कि कुछ काम नहीं है मेरे को यार, कहते तो आ जा मनु असेस कर ला कास्टिंग से. तो देन ही गेव मी, और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, रिमेंबर ही गेव मी 10,000 rupees. व्हाट 10,000 rupees से गेव मी ऐसे रख लाए. और लोखंड वाला में सीसीडी और बरिश्ता होते थे तब, उसके सामने दो सीसीडी है, तो वहाँ पे मैं अनिल बाजे से मिला, बोले कल तो आ जा विशाल जल्दी पिक्चर करेंगे जूलिया. Okay. तो पहले वो पिक्चर कभी बनी नहीं, बाद में वो रंगून हुई बहुत साल पहले. तो वहाँ से कास्टिंग मैसेज किया. तो आई थिंक मैक्सिमम इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ फिल्म मेकर हु रियली सपोर्टेड मी, गिवन मी सच गुड वर्क, बट अ पर्सन हु एक्चुअली रियली हेल्प मी दैट टाइम वाज हनी त्रिहान इन फील्ड ऑफ कास्टिंग. वाह यार, ये बंदा या ये बंदी ये बंबई में आपके लिए मिलना बहुत जरूरी होता है. क्यों ऐसा, एक जो घर दे दे आपको या आपको पहला ब्रेक दे दे. हाँ, वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो शायद कि जब इंटेंशन आपके सही होते हैं ना, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ लेता है. आई रियलाइज दिस अबाउट योर सिटी ना, व्हेन यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू आर नॉट, यू नो, यू आर नॉट चीटिंग, यू जस्ट वर्किंग, यू रियली वांट टू वर्क, समबडी विल फाइंड अ वे कैन इसको ले जाओ यार. लाइक सो लाइक हंसल मेहता सपोर्टेड मी सो मच, कश्यप सपोर्टेड मी सो मच, इम्तियाज अली सपोर्टेड मी सो मच, नितेश तिवारी, यू नो ऑल दिस फिल्म मेकर, यू नो इतना सपोर्ट किया, इतना टच किया. गट्टू ने इतना सपोर्ट किया, जब नई नहीं जब कायपुच्ची बिकम हिट मैन आई फाउंड यू फेसेज, तो इतना सपोर्ट किया. एंड बहुत सारे प्रोड्यूसर जो आपको टच करते हैं, राकेश मेहरा ने बहुत सपोर्ट किया, विशाल भारद्वाज सर ने बहुत सपोर्ट किया, जो एक्चुअली अंडरस्टूड की कास्टिंग और टैलेंट की क्यों जरूरत है. तो आई थिंक ये फिल्म मेकर ही होते हैं, इनकी स्टोरियाँ थी जहाँ एक्टर की जरूरत थी. सही बात है. या तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि शाहिद कपूर एंड मैंने एक ही वर्कशॉप किया था 20 साल पहले एनएसडी में, साथ में छोटा बात कर रहा हूँ, उसके बाद टीआई एनएसडी में. उसके बाद नसीर भाई वहाँ पे 10 दिन की क्लास करने गए थे वहीं पर, सेम तो 10 दिन के वर्कशॉप करने के लिए एनएसडी में. तो तब शाहिद था उस क्लास में, उसकी पहली एड आई थी पेप्सी की, पेप्सी की बहुत पॉपुलर एड थी, उसका वो गाना भी आया था आंखों में. उसके बाद उसने एक ऐड किया था पेप्सी की, उसके बाद वो वर्कशॉप करने के लिए आया था, तब उसका कोई फिल्म रिलीज नहीं हुआ था. तो ये आप लोग कभी मिलके बात किए इस बारे में? हाँ, अच्छे से हमारा, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया ना, डन कमीने, शानदार, कबीर सिंह, जर्सी, तो बट ही रिमेंबर दैट. एंड ऑफ कोर्स हम तो अगर बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं हमारी हमेशा बात होती है, हमेशा बोलता है कि तेरे को तो मैं इतने साल से जानता हूँ, मैं भी तो तेरे को इतने साल से जानता हूँ. अच्छा लगता है व्हेन यू नो यू टू टॉक अबाउट योर ओल्ड थिंग, तो बहुत अच्छा है तुम्हारे, उसको 20-22 साल पहले की बात है. तो भाई ये बात ये ऐसा हुआ है कि कभी आपने कास्ट कर दिया हो, आप मॉनिटर के साथ बैठे हो या डायरेक्टर के सेट पे गए हो और आप देख रहे हो और बोल रहे हैं अरे गलत हो गया? बहुत बार हुआ है. क्या बात कर रहे हो? क्योंकि होता क्या है कि जब कई बार होता है ना, तो कभी कई बार ऐसा होता है ना कि जो आपने बहुत सारे एंड जो ना, जब आप जितनी मर्जी अच्छी कास्टिंग कर दो,
एक दो अटक जाते हैं ना वही गड़बड़ हो जाता है ना, उसमें आपको डायरेक्टर से देख के देखते हैं कि कौन है। 80 अच्छे कास्ट किए उसके बारे में ही बोल दो, एक पकड़ लेते हो, देन ऐसा कई बार होता है। और एक्चुअली होता क्या है कि कई बार एक्टर जो है व्हेन दे ऑडिशनिंग ना, जैसे ना वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर फिल्म सेट में जाने के बाद, बहुत सारे लोग देर इज 300 पीपल सेट सामने लगाया, बड़ा कैमरा है, को एक्टर है, लाइट है, तो एंड डिफरेंट फील। तो दो चार एक्टर जो है ना कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, उनको पहला ब्रेक मिलता है, वो एक कमरे में ऑडिशन कर रहे हैं, हम तीन चार लोगों के सामने रहे, सडनली यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ 300 पीपल। यस, तो इट्स डिफरेंट, इट एंड ऐसा होता है। बट जब आपको पता है कि वो एक्टर अच्छा है तो देन आप लगता है यार कोई बात नहीं, एक आधा फिल्म हुआ है, लेकिन आई थिंक ही, ऐसे बहुत सारे एक्टर है जो पहले एक दो फिल्म में बहुत खराब काम किए थे, मुझे मालूम है, लेकिन नाउ दे डूइंग रियली वेल। या बिकॉज यू ऑल्सो ग्रो, राइट? You grow with your work. You become a little more confident. You deal with people. Now you know how to deal with people. Differently perform. You know with readings how you read script with relationship with co-actor. I think it really helps. कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैं as a director देख के बोलूँ ये क्या भेजा है उसने? आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कभी बोला कि यार क्या भेज दिया ये? हाँ, मुझे बहुत सारी गालियाँ मिल जाती हैं। और जो बेस्ट पार्ट ऑफ हंसल में था, मतलब एक तो क्या वो इतनी लिबर्टी देते हैं पर ऐसे खींच के रखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बोलेंगे ये क्या है उन्हें मतलब होता है कि कुछ ऐसे गंदे अपशब्द बोल के मुझे बोलते हैं ये क्या है। तो मुझे लगता है हाँ, तो फिर मुझे ना एक्चुअली कई बार क्या होता है ना कि जब आपके टीम होती है ना तो आप सोचते हो ये छोटे छोटे रोल है ना ये बच्चों को करने देता हूँ और उसी में मुझे पकड़ लेते हैं, ये तूने नहीं देखा ना? नहीं देखा, नहीं पता लग रहा है तो वो हमेशा सबसे प्रॉब्लम होती है कि जो हमेशा कास्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है ना, लास्ट के जो 30 लोग होते हैं ना, जो बहुत एक एक सीन वाले बहुत होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग वो होती है। सही है, जो आपका पूरा माहौल बनाती है पूरे शो का। चाहे यू सी स्कैम, यू सी महारानी, यू सी फैमिली मैन, यू सी फैमिली मैन टू, यू सी डेली क्राइम, यू सी टब्बर, तो छोटे छोटे रोल होते हैं ना वो पूरा एक माहौल बनाते हैं। उसकी कास्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम जो भी नए कास्टिंग डायरेक्टर है, आई थिंक दे शुड ऑल्सो लिसन, देखिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट पैसा नहीं होता ना भाई, देखो एज अ प्रोड्यूसर ऑन द बैक एंड मुझे पता है कि उनके लिए अलॉटमेंट में जब हम ईपी के साथ बजट बना रहे हैं उनके लिए अलॉटमेंट ही नहीं मार रखी हमने। नहीं, लेकिन यार ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको बहुत रुकी है, बहुत नए हैं, जिनको काम चाहिए, वो लोग आपके लिए काम करेंगे। वो उसके सही है, देखो उसी से तो उनको एक सीन के बाद तो उनको काम मिलता है। आपके अगर हमारी नज़र में एक्टर आया था कि एक सीन के, तो बाद में हम उसको बहुत बड़े रोल के लिए बुलाते भी तो है ना। प्रतीक गांधी भी नहीं थे, तो लव यात्री में दोस्त का रोल किया था ना, वहीं तो आइडिया आया था कि इसको स्कैम में बुलाना चाहिए। अच्छा जी, हमने एक फिल्म थी रॉन्ग से राजू, हाँ। वो एक थिएटर था, हम तो दोनों के साथ पता था, उसने हमारे साथ एक दो एज अ फ्रेंड के रोल किए हुए थे ना। हाँ, तो ये आप चाहते थे कि भाई इसको जब चांस मिलेगा तो ये फाड़ेगा। यार कोई भी अच्छा एक्टर है ना, उसके बारे में हमारी याददाश्त में ना वो ऐसे फिक्स हो जाता है कि इसको कहीं ना कहीं तो यूज करने वाले। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहे किसी का प्ले देखा हो, किसी को कहीं ध्यान में, इसलिए ना कोई भी अच्छा एक्टर कभी भी, कोई ऐसा एक्टर कभी वेस्ट नहीं होता है। मतलब विजय वर्मा ने काय पोचे में ऑडिशन किया था, हमको तब भी बताता है बहुत अच्छा एक्टर, लुक एट नाउ ही इज डूइंग सो गुड। विजय वर्मा काय पोचे में थे? ऑडिशन किया था उसने काय पोचे, टॉप चॉइस में था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, विजय वर्मा टॉप चॉइस में था, अली फजल टॉप चॉइस में था, फक तो ये सब उस वक्त टॉप चॉइस में थे। मैंने अच्छे एक्टर है ना, ये वेस्ट नहीं होंगे। मतलब अब बहुत कम लोग मालूम है कि जयदीप ने एक एक सीन कितनी फिल्मों में किया, रॉक स्टार में उसने एक सीन किया था। He played Ranbir's elder brother in Rockstar. Yes, of course. वो पीट रहे होते जो उसको वहाँ पर। उसपे एक थप्पड़ में उसको मार रहे होते थे। तो I think जो अच्छा एक्टर है ना वो धीरे धीरे करके with happy with patience वो 110% he'll make it. हाँ। बस he will definitely make it. बहुत कम लोगों को मालूम है कि फातिमा साने ने भी बहुत छोटे-छोटे रोल किए एक दो फिल्मों के अंदर। क्या बात कर रहे? दंगल से पहले। हाँ क्या? Yes. But वो दंगल तो बैट है ना भाई, बहुत जोर की बैट है, आपकी भी नीतीश भाई की भी, मतलब it is just like फक, मतलब क्या सोच के किया ऐसा टाइप्स? यार वो है ना कि जब आपके एक बार ट्यूनिंग बैठ जाए, आई थिंक वो आमिर सर ने जितना सपोर्ट किया, जितना नितेश भाई था मेरा इतना अच्छा ट्यूनिंग है, बिकॉज चिल्लर पार्टी किया था उनके साथ, भूतनाथ भी किया था और इतना एक एसोसिएशन था, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन हिज जर्नी एज अ डायरेक्टर टू ग्रो फ्रॉम चिल्लर पार्टी टू दंगल नाउ देन बवाल छिछोरे, मतलब इतना तो जो है, तो उनके साथ ऐसा ट्यूनिंग था कि कि लगे रहना है भाई, ये पिक्चर विल चेंज एवरीथिंग, लगे रहना है। और आमिर सर भी तो छोड़ते नहीं है, मतलब मैंने दंगल भी किया, लाल सिंह चड्ढा भी तो किया ना, मुझे मालूम है मैं मेरी
हालत क्या हुई है, छोड़ते नहीं है ना, छोड़ते नहीं है, नहीं छोड़ते एंड तक, मतलब छोड़ते नहीं है, मतलब छोड़ेंगे नहीं वो, मतलब कमाल की बात है, इतना सीखने को मिलता है ना उनके साथ, वो छोड़ेंगे नहीं. सेम नितेश भाई, वो नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं. राजू सर नहीं छोड़ते. तो आई थिंक वो दंगल में जो एक्सपीरियंस, दंगल में हमने कितना 14,000 और 12,000 गर्ल्स भी ऑडिशन, 14,000 गर्ल्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, और उसी ऑडिशन में मिनाल ठाकुर भी थे. हाँ, अरे वाह भाई वाह, बहुत सारे शॉट लिए. तो आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी वेस्ट नहीं जाता है. एंड ऑल्सो तरीका हमारा, किसी हमारा से लेना देना एक्टर के टैलेंट से होता है ना. हाँ. कि यार ये तो डिजर्व करता ही है. करेक्ट. मैं चाहे वो बच्चा ही हो, चाहे वो बदरंगी भाईजान के मुन्नी है, वो गुड़गावा के एक मॉल में दिखी थी मुझे. हाँ. उसको वहां से ढूंढ के लाए कि कौन है, ढूंढो मॉल में बच्ची जो घूम रही है. देखिए सीन ऐसा है कि कई सारी चीजें कास्टिंग करने में वेग है लोगों के लिए. पैसा कैसे कमाता होता है कास्टिंग डायरेक्टर, इज इट आर्टिस्ट की फीस कट परसेंटेज? नहीं, पता नहीं, अभी भी लोग इतना कंफ्यूज क्या है. जैसे जैसे हमको एक प्रोड्यूसर फीस देता है, जैसे डीओपी को फीस मिलता है, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोलर को फीस मिलता है, जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को मिलता है, दे हायर टॉप एचओडीज एंड उनको फीस मिलता है. जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हमारे एक्टर के पैसों से कोई लेना देना नहीं होता. हमको मालूम भी नहीं है कितने पैसे मिलते हैं. हाँ, उनके नेगोशिएशन में हम नहीं घुसते, हमको बिल्कुल उसमें घुसना ही नहीं है. Non-creative job for us. Wow, very good. Yeah, that is not. तो हमको एक फीस मिलता है, हमको उस फीस के साथ काम करना पड़ता है. तभी तो शायद इतने एक्टर शायद इतना प्यार करते हैं कि हमारा जो सीधा अपनी फिल्म जो करेक्ट है उसके बारे में सोचने का, उसके आगे पीछे हमने कुछ नहीं सोचने का. क्या कैरेक्टर है सामने के? हाँ, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है. मतलब कार्ड हो जाए, मतलब दोनों में स्टाइल, मतलब ये कास्ट करना है मुझे. ऐसे बहुत पकड़ के कास्ट किए हैं. इनको बताना जरूरी हुआ क्या भाई? सिग्नल हमारा ग्रीन है, वहां से दो लौंडे आए, लोखंड वाला की रेड लाइट पे वो व्हीली कर रहा था. तो आई एम सिटिंग, ये बंदा तो बहुत कमाल है. वो ओशीवारे में एक स्लम एरिया है, उसके घर गया, मैं पीछे पीछे चला गया. तो हम मदर थॉट कि मैं कोई बच्चे उठाने वाला आदमी हूँ. लाइक 12-13 ईयर्स बैक चिल्लर पार्टी. आई से नो, मैं फिल्म की, हम फिल्म बन रही है, बच्चों की फिल्म बन रही है, कास्टिंग करते हैं, जिस करते हैं. तो मतलब वो उनको बिलीव ही नहीं हुआ. फाइनली वो कन्विंस किए, फिर उसको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया है. तो हमारा ऑफिस नहीं होता था, तो चिल्लर पार्टी के डिपार्टमेंट, यूटीवी का एक ऑफिस था जहाँ से कास्टिंग हो रही थी, उस ऑफिस में उसको बुलाया. तो 3-4 दिन तक उसको वर्कशॉप किया बिफोर ऑडिशन. देन फाइनली उसको ऑडिशन किया 4-5 दिन में, तो उसको फटके का रोल मिला. देन ही गॉट नेशनल अवार्ड. यार क्या बात है, क्या बात है. ये एक तरीके से आपके भी नेशनल अवार्ड है. ऑफ कोर्स बच्चे ने बहुत कमाल किया उसकी परफॉर्मेंस का, और डायरेक्टर साहब का भी वो है, बट दिस इज नेक्स्ट लेवल. मतलब यही तो होता है. और हमारी खुशी तो वही है यार, मैंने सी ऑल ऑफ देम डूइंग सो वेल. हाँ, अच्छा लगता है, स्माइल आता है आपके चेहरे में. ये है, इन द ट्रूएस्ट एसेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बट रस्से से उठा के स्टार तो बना दिया ना. ये टर्म सुन के बहुत ऐसा फील होता है कि यार बहुत 90s की फिल्मों के डायलॉग याद आता है. हाँ. पर ऐसे कभी बोलता नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता कि अरे मैं आपको स्टार बना दूंगा. करेक्ट. ये भी बड़ा हुआ है ना भाई. देखो कास्टिंग को लेके, कास्टिंग काउच वाले भी बड़ी हवा मच रखा है. तो वो गंदगी कितनी होते हुए देखी आपने आसपास? यार आई एम टच वुड, ना मैंने उस चीज़ों को कभी देखा, ना कभी इंटरेक्ट किया, ना मेरे जिस तरह के फिल्म मेकर हैं. आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसा इंटरेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं यार, सबने सुनी है. सिर्फ सुनी है. तो वो तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि सबने सुनी है, और मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, ये तो मुझे हमेशा मेरे घर वाले, जब शुरू से मेरे रिश्तेदार भी हमेशा सवाल, कोई ऐसा होता है तो बोलते थे इतने सारे एक्टर यहाँ पे आए हैं स्मॉल टाउन से, दे मेड इट सो बिग, यू शुड आस्क देम. या ट्रू, कि वो कैसे यहाँ पर इतने बड़े पहुँचे. तो आज कितने सारे यंग बॉय यंग गर्ल, दे ऑल मेड इट बिग, दे सो मेनी आउटसाइडर, एवरीवन मेड इट सो बिग. या तो मतलब यही कर रहे हैं हम लोग. हाउ ऑफन आर यू स्काउटिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया? बहुत सारे यार, हमेशा. मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओनली नॉट एन एक्टर, म्यूजिशियन ऑल्सो. क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी जैसे मैंने खिड़की में परफॉर्म किया था, तो एक वॉलिन प्लेयर और एक बांसुरी का लड़का, दोनों मुझे इंस्टाग्राम मिले थे. मैंने उनको बोला कि आओ जरा परफॉर्म करो खिड़की तेरे फेस्टिवल में. बहुत सारे यंग बच्चे, इंटरेस्टिंग टैलेंट मिल जाता है, तो बहुत लोग मिल जाते हैं यार ऐसे. क्योंकि इंस्टाग्राम दो तरीके से यूज हो रहा है. हाँ. एक हो रहा है जो अपने आप को बेच रहे हैं, एक हो रहा है जो जनरली टैलेंटेड लोग जो है अपने काम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं. सही बात है. तो आई रादर लुक एट द genuine one who are actually trying to show their work to others.
तो वो उनको, एंड ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो शायद इंस्टाग्राम से पहले यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एटलीस्ट देयर रीचिंग आउट टू पीपल, वी इन्फॉर्म पीपल. वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है. और ये जो आजकल भाई, मैं देखो क्या होता है कि हम एड्स में क्योंकि कास्टिंग करते रहते हैं, मेरे एक्टर दोस्त भी बहुत सारे हैं, वो सब ये बड़ा कंप्लेन करते हैं कि यार पंचायत हम लोग के पास इन्फ्लुएंसर वाला टाइटल नहीं है, हम इतने फॉलोअर नहीं रखते तो कास्टिंग नहीं हो रही. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. मुझे आज तक किसी भी, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इन्फ्लुएंसर का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. ऑल द इन्फ्लुएंसर, नाराज मत होना प्लीज, आप मुझे मुझसे नाराज मत होना, मुझसे भी नाराज मत होना. आई एक्चुअली मैनेज कि आपका वो एक अलग डिपार्टमेंट है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टैंड अप एक अलग डिपार्टमेंट है, इन्फ्लुएंसर एक अलग डिपार्टमेंट है, एक्टर एक अलग डिपार्टमेंट है. मुझे आज तक किसी भी फिल्म मेकर ने जिनके साथ मैं काम करता हूँ ये नहीं बोला कि इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इसको बुला ले. किसी को हमने ऐसा नहीं कहा कि फॉलोअर देख के बुलाया हो. उनके बहुत सारे ब्रांड मिल जाते हैं, उनका कोलैब हो जाता है, वो सब होता है उनके लिए, इट्स करेक्ट. बट उसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. नहीं है उसका एक्टिंग लेना देना है. आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, हम आपको बुलाएंगे और आपको ऑडिशन करेंगे, फिर देखेंगे इंटरेस्टिंग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, इसको बुला. जैसे बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, बहुत सारे, मैंने अभी एक फिल्म किया है शशांक के तन का, गोविंदा नाम मेरा, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया कि वो करेक्ट है. इन्फ्लुएंसर को भी करेक्ट जगह कास्ट करना है, इज हार्ड. या सो मैनी ऑफ देम, एंड आई एम ग्लैड कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इतना अच्छा काम करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते हैं कि हमको कोई देख लेगा तो बुलाएंगे. दे एक्चुअली डूइंग इट दिल से करते हैं, दे पुट देयर हार्ट इन इट. किसी ने देख लिया उसको बुला के, देन दे वी स्टिल ऑडिशन भी अच्छा है. देखो ये हम जान के आ गए यहाँ तक. यहाँ पे चार ऑप्शन है. देखो यहाँ पे सलमान खान का घर भी है, मैंने बहुत खाना खाया है, गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान भाई के यहाँ, और ये जगह है जहाँ पे ये रोल्स बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन अभी खुला नहीं होगा. ये आयाज और कबाबिश दोनों बंद है. वाह, बट हर्ष बेकरी और एवन बेकरी है यहाँ पर, खा सकते हैं, थोड़ा तो खा सकते हैं, भूख तो लगी गई ना. है ना, भूख थोड़ी सी लग रही थी, तो हर्ष बेकरी चलते हैं क्योंकि हर्ष बेकरी फेमस है भाई. खाए हो यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं खाया. कभी नहीं खाए? अरे चलो आपकी हर्ष बेकरी हर्ष ख्वाहिश पूरी करेंगे. चले गए वहाँ पे? अरे भाई यही है दुकान, ये कुप्चे में. क्या बात कर रहे, ऐसे पता नहीं चलता. देखो अंदर पूरा जोन एम्बियंस ही लगा हूँ. लाइन भी लेना पड़ेगा सर. लाइन का ले ले शॉर्ट भाई, समझे पब्लिक को कितनी लाइन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम. हाँ खाने के लिए. अच्छा खाना है, मतलब आपको अगर पारसी टाइप की खाने वाली जगह पसंद है बॉम्बे की तो ये तो अच्छा लगेगा. तो यहाँ पे क्या बेकरी वाले सारे आइटम मिलते हैं, मतलब स्नैक्स गोल गोल मिलेगा, चिकन. तो ये भाई जो आपने एक किताब भी लिख दी है, ये क्या सीन है? बॉम्बे ट्रैफिक बहुत मदद करता है ना. बॉम्बे ट्रैफिक जो है यार, वो ऐसा कुछ, मतलब किताब की फॉर्म एक कहानी है जो जब भी ट्रैफिक में आप बैठे होते हो, कोई ना कोई आपको दिख जाता है, वहाँ से आइडिया आता है, तो आप कहानी लिख देते हो. तो मेरी एक दोस्त है नेहा सिंह, और मैं उससे बात करते हैं, बहुत सारी कहानी, बोले मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ, सिर्फ एक काम करते हैं लिखते हैं, फिर एक किसी से पूछते हैं कि इसको छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते हैं. फिर एक सोलर करके दोस्त है, उसने पूरा इलेक्ट्रिशियन, उसका पूरा एक कार्टून वगैरह पूरे उसका पूरा है. फिर उसने, फिर हमने उसको इलस्ट्रेटर है, हाँ उसको उसने बुलाया. फिर उसने, हमने फिर उसको एक उनको दिया, उनको बहुत पसंद है, उन्होंने प्रिंट आउट कर दिया पब्लिशर ने. इतना सिंपल. वेरी गुड. क्या नाम है बुक का बताओ, काम ले सकते हैं? अमेज़न पे अवेलेबल है, बहुत बहुत ही मूंगफली मूंगफली बच्चों की स्टोरीज है, बच्चों के लिए बहुत प्यारी कहानियां हैं. हाँ. बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे उस किताब को पढ़ते भी हैं. हाँ. तो बच्चों की स्टोरीज हैं क्योंकि आई लव किड्स. मैंने इतना सारा काम बच्चों के साथ किया, मेरी जो एनएसडी में कंपनी थी टीआई, आई ओनली यूज टू वर्क विद किड्स, तो उसी से मेरा बच्चों के साथ इतना कनेक्शन है. तो उनको देख के हर कहानी में बच्चे हैं. ये जो एक हैक आपने बताया, बता दें सारे कास्टिंग वालों को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को. जो मेरे चाइल्ड आर्टिस्ट होने की जब बातें आ रही थी, तब मैंने आपको बताई कहानी, और आपने बोला कि बच्चों की कास्टिंग में हम पर्सनैलिटीज कास्ट करते हैं. क्योंकि बहुत यार बोलते हैं आप बच्चे ने क्या एक्टिंग करी है, एक्चुअली बच्चे वैसे ही होते हैं. उनके पर्सनैलिटी को सही कास्ट करना होता है. Okay. यूसी चिल्लर पार्टी, यूसी बजरंगी बाजा, यूसी दंगल में छोटे बच्चे, चाहे वो जायरा वसीम और रूहानी, चाहे वो भूतनाथ के बच्चे आप देख लो. हाँ. चाहे आप कहानी के बच्चे देख लो, चाहे सुपर थर्टी के बच्चे देख लो, जितनी भी बच्चों की फिल्में मैंने की है, हमेशा उनकी पर्सनैलिटी को कास्ट करने का होता है. क्योंकि आप बच्चों को एक्टिंग नहीं सिखा सकते यार. You can't tell them to act like this. वो वैसे ही रहेंगे जैसे उनकी पर्सनैलिटी है. जैसे ही आपने बच्चों की पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करी,
यू फिनिश जो दिख जाता है फिर वो दिख जाता है जो बच्चे बहुत सारे एड्स में जो कास्टिंग कर एक्टिंग करते हैं बहुत अजीब से एक्टिंग होती है और ही मीटर में होती है ऐसे बोलो ऐसे तो वो सब बहुत गलत एक नॉट अ गुड आइडिया टू कास्ट चिल्ड्रन इफ दे नॉट राइट फॉर द पार्ट ये देखो हम अभी हर्ष बेकरी के बाहर खड़े हैं और बम्बई की बातें उतनी हुई नहीं है तो बम्बई की बात कोई है तो बता दो भाई ऐसे लोग बात क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही जोन है पब्लिक का यू नो बेस्ट हमें हमेशा अभी जैसे अंदर भी बात कर रहे थे ना यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है और लोग अपने काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सही बात है मतलब ऐसे किसी के घर में झांकते नहीं है देयर इवन यू सी बेस्ट पार्ट अबाउट अगर आप किसी अपार्टमेंट में भी रह रहे हो ना सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं पर कोई किसी से ज़्यादा They don't want to get into personal space. Yeah, like yeah. बाकी North India में तो सबको सब पता होना चाहिए. सब पता होता है भाई. कि यहाँ पे तो अनलग इसको कैसे पता है आंटी को तो वो एक खास बात है बॉम्बे की यहाँ पे सब बहुत प्रोफेशनल हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड सक्सेस रेट इस सिटी में बहुत अच्छा है लोग क्रेजी है मतलब इतने आप अगर आप क्रिएटिव हैं टैलेंटेड हैं और आप फोकस हैं तो डेफिनेटली ये शहर आपको बहुत उठा देगा भाई साहब बहुत कुछ आ गया ला दो शुरू करना मुझे भूख लगी आप खाओ भाई खाओ यही है पर्पस हमारे शो का कि हम बिल्कुल नहीं छुपाते कुछ भी ये लो लाइम जूस भी ले लो आप अपना बहुत अच्छा है यार है ना फील है ना ये भी होता है ना यार आप एंसेंबल कास्ट की बात कर रहे हो मल्टीपल हीरो फिल्म्स करने के लिए हीरो मना कर देते हैं ना आजकल सीधा हीरोइनें करनी है फिर भी हीरो नहीं कर रहे थोड़ा बेटर हुआ है हाँ करेंगे हीरो भी करेंगे यार घूम फिर पे तब को जब सर्वाइवल पे आ जाएगा ना करना पड़ेगा पर ऐसा क्यों है बॉलीवुड में आपको आपके हिसाब से इनसिक्योरिटी होगी पोजीशनिंग इन देयर माइंड कि पोजीशन ठीक करना है लोग ये ना बोलें कि तो एंथम में आ गया ये बड़ा सवाल है पहले तो लोग डिजिटल में नहीं करते यार हाँ आई डोंट वांट टू से दिस टू लॉट ऑफ पीपल बट आई कैन टेल टुडे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देर आर सो मेनी पीपल सेड नो टू फैमिली मैन चालू हो गई थी इतना बढ़िया था वो और तब डिजिटल कैसा बूम नहीं हुआ था ना लोगों को इतना बिलीव नहीं था दिल्ली क्राइम सो मेनी पीपल सेड नो सो मेनी बिग पीपल सेड नो देन इवेंट टू शेफाली शाह शी केम एंड ऑडिशन फॉर इट सो कूल इसके सॉस का अलग मजा है कमाल है तो ओटीटी की वजह से सैलाब तो आया है अच्छे आर्टिस्ट जिनको आप पहले कहीं नहीं कास्ट कर पाते थे या जिनको आप रेकमेंड करते थे बट उनको काम मिलता नहीं था अब उनको काम मिलने लग गया क्यों आई टेल यू व्हाट ओटीटी में क्या होता था ओटीटी के आने की वजह से ना जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिनके दिमाग में तो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर है सपोर्टिंग एक्टर नहीं है वो ओ टी टी की जान है ओ टी टी चलो उनके वजह से रहा है सही बात है तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो पहले क्या होता था कि हमारी फिल्मों के अंदर ना जो एक्टर आज ओ टी टी में सेंटर कैरेक्टर कर रहे हैं जिनकी पूरा कहानी उनके ऊपर सेट है ना इनको इन लोगों फिल्मों में नहीं लेते लेकिन इन लोगों ने ऐसे ऐसा डोमिनेट कर दिया अपने टैलेंट से कि मजबूर हो गए हैं अब घुमा दिया सारा अब इनको फिल्मों में लेना पड़ रहा है आपको और व्हाई नॉट दे शुड बी They deserve. कभी ऐसा किया क्या ऐसा कोई स्टूडियो के बाहर जाके खड़े हुए बोले मैं इधर आएगा एक दिन मेरा इधर पिक्चर शूट होता रहेगा नहीं ऐसा फिल्मी काम किए नहीं आपने जिंदगी ऐसा फिल्मी काम यार मैं बहुत जल्दी ईडी उसमें काम मुझे थोड़ा मिल गया था ना हाँ तो और मैं बहुत सब लोगों का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उनके साथ काम करने का मौका मिल गया मतलब बहुत अजीब लगेगा कि बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है कि मैं इतना बड़ा सलमान खान का फैन हूँ मतलब बड़ा वाला फैन अब जब उनके साथ काम किया उनके साथ दोस्ती हुई उनके साथ प्यार हुआ तो ऐसा लगता है कि यार ये अपने आदमी है इतना अच्छा लगता है मतलब जिन लोगों को आपने कॉलेज में स्कूल में देखा हो एंड जो एक्चुअली उनके साथ काम करते हो उनके साथ आपकी एक तरह की दोस्ती होती है एक रिश्ता बनता है तो अच्छा लगता है कि मतलब आप फोन कर उनको फोन भी कर सकते हो ना मतलब ये इनको आइडलाइज किया इनको फोन कर रहा हूँ इनको फोन भी करते थे उनका फोन भी आ जाता तो फिर शुरू शुरू में जब लोगों का फोन आता था तो अजीब लगता था ना सलमान खान का फोन आ रहा है आमिर खान का फोन आ रहा है तो अच्छा लगता था ना ग्रेट फीलिंग है मतलब जब आते हो बाहर से और शहर में रहते हो रिसेंटली ये बाकी जितने भी जो स्टार जो भी सब इनको तो मैं बहुत स्ट्रगल के टाइम तक जानता ना तो इनकी जर्नी साथ की लगती है
For us is always Salman Khan, Aamir Khan, Shah Rukh Khan, yeah. Akshay Kumar. इतना बुरा गाता हूँ मतलब लव स्टोरी में भड़के पड़े मतलब क्यों मैं समझा नहीं ये राइमिंग के लिए कुछ भी कर दिया लव स्टोरियां कर दिया हाँ केसरिया के साथ लव स्टोरियां कैसे राइम कर जाए इसके अलावा कुछ भी यूज कर लेते इतने सारे वर्ड और लोगों ने नीचे राइमिंग वर्ड्स भी लिख दिए कि ये देखो ये इतने सारे और हैं पब्लिक रूथलेस हो गए ना आजकल भाई साहब हाँ ये थोड़ा छोड़ते नहीं है किसी को नहीं छोड़ते हाँ। दिल बेचारा की भी बात करना चाहोगे सब कुछ तो बात हो गया है हाँ। कुछ उसमें बचा नहीं है नहीं मतलब फिल्म इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज देन आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दैट फिल्म गुड और बैड हैप्पी और सैड बिकॉज आई हैव लॉस्ट a very good close friend of mine and I know what to say about it yeah so when people say Dil Bejara did so well I said no it just it did well because people loved Sushant it all because of Sushant so I have zero contribution on Dil Bejara yaar kya baat kar rahe of course there is a lot of you in it main yeah but I will never want to take any credit for Dil Bejara because I really think ki ye कुछ हुआ उस फिल्म के साथ जो भी हुआ वो सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्ती का हुआ प्यार का हुआ है बट ये है कि दैट आई गॉट टू वर्क विद ए आर रहमान सर वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल था अमिताभ भट्टाचार्य के साथ बहुत मज़ा आया एंड या ऑफ कोर्स सुशांत वाज मैजिक ये फेम चढ़ता रहेगा दिमाग पे नहीं थोड़ा बहुत मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने रियलाइज किया क्या गलत हो रहा है वापस हम बदल करो चार पाँच साल पहले ऑनेस्टली मेरा थोड़ा एटीट्यूड बहुत वियर्ड हो गया था हाँ क्या तो आई ऑलवेज फील वेरी बैड एंड सैड अबाउट इट बिकॉज मुझे लगने लगा था कि साला वो नवा के साला कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है नहीं पर आई एम रियली मतलब आई फील सॉरी फॉर दैट बिहेवियर उस सडनली पता नहीं एक ऐसा तीन महीने का टाइप एक फेस नहीं होता मे बी वो छः महीने चला होगा मैं मुझे सडनली बहुत अजीब सा मेरा एटीट्यूड होगा तो मैं किसी को तो फिर मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे जो फिल्म मेकर दोस्त और एक्टर दोस्त जो है ना उन लोगों ने इनडायरेक्टली मुझे एक तरह का एहसास करा ही दिया जिसमें आई थिंक लॉट क्रेडिट गोज टू हंसल मेहता अच्छा एंड इवन इम्तियाज एंड या कट्टू नितेश तिवारी दिस पीपल हैव रियली मतलब बहुत इनडायरेक्टली राजू सर यार मतलब उनको देखता हूँ कि यार लुक एट हिम मतलब मैंने उनके साथ पीके भी किया है संजू भी किया है अभी ये नेक्स्ट फिल्म जो वो शूट कर रहे हैं शाहरुख सर के साथ डंकी भी मैंने किया है और यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोलता था कि तेरा कुछ नहीं होगा पहले शुरू से हम बोल रहे थे ना अरे यार तेरा कुछ नहीं यू नेवर नो कि यहाँ पे कौन कब कैसे बड़ा बन जाए मेहनत करके आपको किसी को बारे में कुछ नहीं बोलना ये बताओ भाई कि कौन से ऐसे डायरेक्टर रहे होंगे जिनके साथ आपको काम करने में मतलब एड़ी चोटी का जोर लग गया कि भाई ये तो मतलब जूस निकाल दिया पूरा राजू सर हाँ मतलब जान निकाल देते हैं मतलब आपको वो छोड़ेंगे नहीं एक तो वो खुद भी नहीं रुकते ना किसके काम आमिर खान नितेश तिवारी वो दंगल पूरा किया लाल सिंह लेकिन छोड़ते थोड़े ना यार वो लोग मतलब वो नहीं छोड़ते वो और कुछ लोग इतना मजा आता है कि आपकी ट्यूनिंग हो जाती है जैसे अंतल मेहता के साथ ट्यूनिंग है अनुभव सिन्हा के साथ ट्यूनिंग है अयान के साथ भी बहुत टाइम लग गया ना वो भी नहीं मानता मुकेश यार नो यार नॉट वर्किंग यार वो करते 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 पाँच साल गुजार दिए पर वो शशांक के साथ बहुत मजा आता है ऐसी ट्यूनिंग है हम बैठते हैं मतलब चार घंटे के लिए बैठते हैं हफ्ते में दो तीन बार मिलते हैं पूरी फिल्म खत्म करके निकल जाते हैं सही बात ऐसा भी वक्त आपका एक बार सेट हो जाए ना ट्यूनिंग तो डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म तो शशांक के साथ भी ऐसा है कि आप आ रहे हो मुकेश भाई आ जाना बैठते पिक्चर खत्म करते ना चलो ना करते खत्म कभी ऐसा हुआ है हीरो हीरोइन रिप्लेस कर जानी पड़ी आपको मतलब हाँ हाँ बहुत बार हुआ है हाँ ओवरनाइट यार ये वर्क नहीं कर रहा आप पता लगता है कि आपके पहली फिल्म में हीरो कोई और था अगले मॉर्निंग उठो तो हीरो चेंज तो आपके फिर हीरो की बहन हीरो की मॉम डैड सब चेंज हो जाता है ना बिकॉज आपका पूरा ज्योग्राफी चेंज हो गया फिल्म का वो कहानी पूरी चेंज हो गई तो बहुत होता है जो एक क्वेश्चन रह गया कि अब क्या करने का मन करता है मतलब व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक यू वांट टू सी इन योर लाइफ अभी तो मुझे जो कास्टिंग फील्ड है ना हाँ जी इसमें और बहुत सारे ऑफिसेज खोलने हैं और आई जस्ट डोंट वांट टू ओनली कास्ट एक्टर्स नाउ हां आई वांट टू नाउ कास्ट न्यू राइटर न्यू डीओपी जस्ट यू नो एक्सपेंड दिस कास्टिंग नॉट जस्ट स्टिक टू एक्टर्स ओके टू मेक इट मोर
larger, bigger for everyone, so that anybody who's talented and trying for films, trying for this industry, उसके लिए भी कोई रास्ता निकल जाए. और ये जो आपके नाम के आगे आजकल फिल्मों में CSA लिखा होता है, उसको जरा बताओ लोगों को. CSA का मतलब होता है कास्टिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका. एक एसोसिएशन है अमेरिका में जो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के एसोसिएशन है. हाँ जी. जिसमें आपको बहुत मुश्किल से मेंबर बनाया जाता है. आई थिंक टेस जोसेफ करके कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत बहुत अच्छी है. हाँ. वो भी इसके अंदर. अरे सारा हिली फिन जो मार्वल में, अगर आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे तो उनके है, वो हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनने मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हॉलीवुड की फिल्म कास्ट करते हैं. हम सब एक, हम सबका एक कम्युनिटी है, एक एसोसिएशन है, तो वी कैन एक्चुअली कनेक्ट विद ईच अदर. वाओ सुपर. तो आप मतलब ऐसे कैन वैन गए तो उनसे मिल सकते हो टाइप ऐसे. हाँ मैं गया हूँ, मिला हूँ. हाँ वही तो. हम तो ऐसे यॉट में बैठ के ऐसे मीटिंग वीटिंग करके, अब वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर में, यहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर, अरे क्योंकि वो वासेपुर के टाइम भी वहाँ गया था, दो तीन बार वहाँ पे जा चुका हूँ. ऐसी आपकी कौन सी, मतलब हमारी तो होती ही है कि आपने भाई हमें ये लोग ला के दिए. टॉप थ्री आपकी कौन सी होंगी जो आपका खुद का काम आपको बेस्ट लगता है, मतलब ये टॉप थ्री हो जाएगा. तीन से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं. कर सकते हैं पाँच. ऑनेस्टली जैसे जो, बट आई ऑनेस्टली आई विल ऑलवेज से दैट गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो दैट चेंज सो मेनी पीपल लाइफ इंक्लूडिंग मी. या एंड दंगल. And for and then there's Kaipoche, three. Wo, of course there's, then there's PK, Sanju, Chillar party, you know, wo sab bhi hai. And ugly bhi hai, Kashyap ki, Shahid hai, scam, my favorite. Aur Omerta, Hansel Mehta ki all films. I mean recently Anik, in terms of casting wise, I had great fun. We're working with Anubhav Sinha after really long. तो अनेक से एक चीज़ याद आती है मेरे को, एक क्वेश्चन था हमारा कि कई सारे लोग हमारे देश के स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न फोक्स वर वेरी पिस कि हम लोग को कास्ट नहीं किया जाता. नहीं, पर मेरे को भी इस बार मुझे जितना प्यार नॉर्थ ईस्टर्न लोगों से मिला है, बिकॉज मैंने सब वहीं के कास्ट किए. दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड अनुभव सिन्हा कि देखो भैया सब वहीं से करेंगे. इसमें बड़े बड़े रोल के लिए दो तीन अलग एक्टर भी थे बॉलीवुड के थे, तो वो लड़ाई करके वो नहीं रखे गए. क्या बात है, तो सब नए विलन, नए लोग, नई लड़की, वो सब नॉर्थ ईस्ट से कास्ट किया. वही तो. और वो OTT पे स्लीपर हिट है वो फिर. या वही है अभी. या ये भी बड़ा होता है ना, मतलब कास्टिंग पे तो आजकल तभी बात उठती है जब जैसे the LGBTQI+ community recently was pointing out that Hansel sir has only not cast gay folks in his, you know, anthology वाला जो फिल्म आई थी. अरे तो मैंने वो, मेरे, मुझे पता ही सवाल आएगा. अरे तो उतने, अगर उतने अच्छे एक्टर होंगे ऑडिशन करो तो क्यों नहीं कास्ट करेंगे. करेक्ट. दे शुड नो कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम देख एज क्रिएटिव पीपल, एज फिल्म मेकर और एज कास्टिंग पीपल, हम लोग किसी के अगेंस्ट थोड़ी ना है. अगर जब फिल्म की स्टोरी उनके आसपास सेट है तो देर आर लॉट, तो मैंने एक्टर जो है वो फिल्म थी ना वो चंडीगढ़ करी आज के में भी दो तीन लोग मैंने एक्चुअली में कास्ट किए थे. उससे पहले एक फिल्म थी जो अक्षत वर्मा की थी, क्या है नाम है उसका, जिसमें सैफ भी थे, उसमें भी हमने एक्चुअल लोगों को कास्ट किया. आई थिंक जो अगर हमको लगता है हमारी रिक्वायरमेंट में, जैसे बहुत कम लोगों को मालूम है कि दंगल के टाइम में ना जो एक्चुअल रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है वो लोग भी टॉप शॉर्ट लिस्ट में थे. टॉप सिक्स में थे वो लोग. बंदियाँ? हाँ लड़कियाँ. अरे वाह. जिनके ऑलरेडी बाल कटे हुए थे, जो बहुत अच्छी रेसलिंग जानते थे, जिनको, पर वो फाइनल राउंड में जब परफॉर्मेंस की बात आई तो एंड आमिर सर एंड नितेश भाई ट्राई द लेवल बेस्ट फॉर एवरी डे टू पुश 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 कि वो रियल लगेगा, रियल लगेगा, रियल लगेगा. पर वो जब एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस की बात आती है, एक्टिंग की बात आती है, तो ऑब्वियसली सानिया एंड फातिमा किल्ड इट. तो फिर मुझे लगा कि यार इतने अच्छे एक्टर है, फिर इनको रेसलिंग सिखाते हैं. तो सीधी सी बात है, फिल्म इज ऑल अबाउट यू हैव टू परफॉर्म एंड ऑफ द डे. तो फिर वो हुआ ना. अच्छा हुआ, मतलब आइकॉनिक फिल्म है. अगर वो प्रदीप गांधी और वो जो अपना रणबीर बराज जो हमने कास्ट किया फिल्म के अंदर जी, अगर हमको दो ऐसे एक्टर मिल जाए जो ये दो चीजें और अच्छी कर दें तो क्यों नहीं. कैसा लगा आपको?
बहुत मजा आया, मजा रियली रियली, मतलब मैं इस वक्त इतनी दूर तक हुआ है पता भी नहीं चला कहाँ पे पहुंच गए थे यार हम, अपन बैंड्रा टच करके आए वापस, मजा आया। और कैसा, अच्छी आपको कैसा लगा? मजा आया भाई, बहुत मजा आया मेरे को। ऐसा लगता है जैसे पुराना रिश्ता रहा है अपना, कुछ कहीं अपना हाँ, कुछ रहा तो कुछ टाका। But you got what you wanted. Yes, super. मैंने तो बात मैं रैंडमली बोलता रहा। हाँ, वो करेगा ना अपना एडिटर हमारा दोस्त जय मेहता, जो हमारा चैनल हेड भी है, वो काटेगा। जय मेहता अच्छे से काटना, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आई विल रिकमेंड यू। डन डन, थैंक यू सो मच। दिस इज द बॉम्बे जर्नी एंड सेट साइनिंग ऑफ।